दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सेठी साहब, NA55 शेख रशीद साहब भी बड़े नारे मार रहे हैं, कल बड़ी जबरदस्त उन्होंने रैली निकाली यार लियाकत बाग में, उनका जलसा है। नवाज शरीफ साहब भी सुना है कि रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं। अब देखना ये, आपको क्या लगता है कि ये बड़ी वायलेंट इलेक्शन भी हो सकते हैं, वैसे तो पहुँच भी गए नवाज शरीफ साहब, आपको क्या लगता है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस वक्त? देखिए, सिग्निफिकेंस बड़ी सीधी सी है। एक परसेप्शन है आम आवाम में कि नवाज शरीफ साहब बहुत पॉपुलर हैं और बाकी लोग सारे फारिग हो चुके हैं। ये एक सीट ऐसी है जिसके ऊपर अब आपने देखा पीपल्स पार्टी इनडायरेक्टली शेख साहब को सपोर्ट कर रही है, PMLQ डायरेक्टली भी शेख साहब को सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट और एंटी नवाज शरीफ फोर्सेस वो सब जो हैं वो शेख साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। और ताकि ये पता चले कि नहीं कि नवाज शरीफ इतना पॉपुलर नहीं है, ये नहीं कि शेख साहब ज़्यादा पॉपुलर है, वो नवाज शरीफ साहब की इमेज में डेंट डालना चाह रहे हैं, कट टू साइज करना चाह रहे हैं। इसीलिए नवाज शरीफ साहब जो कि बहुत मनसेरा में नहीं गए थे उस इलेक्शन में, तो और यहाँ भी लाहौर की इलेक्शन में भी उन्होंने सीट किसी और को दे दी, ये सीट बड़ी क्रिटिकल बन चुकी है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने भी फैसला किया है कि सिक्योरिटी या नई सिक्योरिटी, मैं यहाँ आऊँगा और एड्रेस करूँगा, और ये एक मेक और ब्रेक बैटल है फॉर द इमेज ऑफ द नून। सेठी साहब, आपने भी कहा कि एंटी नवाज शरीफ फोर्सेज जो हैं वो सब सपोर्ट करेंगी शेख रशीद साहब को, तो एक बात कही जा रही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त वो भी शेख रशीद साहब को सपोर्ट कर रही है, हाउ डू कमेंट? नहीं, शेख साहब तो पहले बड़े फखर से कहते थे ना कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का स्पोक्समैन हूँ, यहाँ तक कहते थे कि मैं फौज का स्पोक्समैन, वो अभी भी कहते हैं फौज मेरी है, मैं मिलता हूँ, तो अब फिर जाहिर है फिर एडमिट कर लेंगे GHQ भी इनको बैक कर रहे हैं, कह देना, मगर ये अब नहीं कहेंगे, अब कैसे कहेंगे, अब तो जमहूरियत की जंग चल रही है ना, अब फौज को कैसे लाएंगे बीच में, वो तो जब जमहूरियत को डिरेल करना होता है तो उस वक्त फौज को वो बीच वो ये भी कह रहे हैं यार कि पीपल्स पार्टी का वोटर मुझे वोट देगा। अच्छा, अब बात क्या है, अब तो थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री देख लीजिए कि ये इलेक्शन कहाँ जाएगी, कैसे होगा, क्या होने जा रहा है। गालिबन 1970 में जो इलेक्शन हुई उसमें पीपल्स पार्टी जीती, 1977 में भी पीपल्स पार्टी जीती, 1970 में इस कंस्टिट्यूंसी से खुर्शीद हसन मीर साहब जीते थे, बहुत ही अहम पीपल्स पार्टी के इंटेलेक्चुअल थे, उनका भी वही स्टैचर था उस वक्त जो कि उनका था, डॉक्टर मुबशर का था या महमूद कसूरी साहब का था, तो वो जीते थे। 77 में भी पीपल्स पार्टी का बंदा जीता, और ये पीपल्स पार्टी की एक वर्किंग क्लास की कंस्टिट्यूंसी थी। ज़ियाउल हक के बाद जब अगली इलेक्शन हुई 1985 में, तो पीपल्स पार्टी ने बॉयकॉट किया, और शेख साहब इंडिपेंडेंट कैस हैसियत और GHQ को रिप्रेजेंट करते हुए शेख साहब तशरीफ ले आए और जीत गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया। वो दिन है और आज का दिन है कि ये कंस्टिट्यूंसी बिल्कुल राइट विंग कंजर्वेटिव प्रो मिलिट्री अलायंस की तरफ चली गई, और उसके बाद शेख साहब छः दफ़ा लगातार जीते कंजेक्टिव, और 90 उसमें से एक दफ़ा दो दफ़ा इंडिपेंडेंट की हैसियत में और चार दफ़ा नून के टिकट की, और अब ये सातवीं दफ़ा है। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि गालिबन कोई 3 लाख के करीब वोटर्स हैं वहाँ, 2 लाख 70 के करीब वोटर्स हैं, मुख्तलिफ फिगर्स हैं 3 लाख के लगभग। वहाँ जो पहले कैंडिडेट जीते आए हैं, जब हाशमी साहब जीते पिछली दफ़ा शेख साहब को डिफीट करके 2008 में, क्योंकि वो नून का वोट बन चुका था वहाँ, तो उस वक्त शेख साहब को 15,500 वोट मिला, और हाशमी साहब जो कि जिनकी ये कंस्टिट्यूंसी भी नहीं है, उन दूसरी सीट वो लड़ रहे थे जावेद हाशमी साहब, वो जीते कोई 70,000 वोट ले, इतना बड़ा मार्जिन, और पीपल्स पार्टी तो नज़र ही नहीं आई, वो थी कहाँ, क्या हुआ उनके साथ। और मेरा ख्याल है अब और उस पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली वो कंटेस्ट ही नहीं की थी, बिकॉज इनका अलायंस था नवाज शरीफ साहब के साथ कि आपको इस सीट के ऊपर हम नहीं लड़ेंगे। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ जमात इस्लामी वो लड़ रही है अपनी सीट, पहले वो शेख साहब को वोट देती थी और नून को वोट देती थी, और सीट एडजस्टमेंट जैसे पीपल्स पार्टी ने की थी, अब वो लड़ रही है। इमरान खान साहब भी वहाँ कैनवसिंग कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए, जो कि पहली दफ़ा पहले वो नून को वोट दिलवाते थे, तो इस तरह। और फिर क्यू जो है वो जो स्प्लिट वोट बैंक है, उनको भी 8-10,000 वोट मिल जाते हैं उनकी कंस्टिट्यूंसी, वो भी शेख साहब को जा रहे हैं, तो हो ये रहा है कि एक तो नून का वोट टूट रहा है, कम हो टूटेगा ना जी, कुछ लोग जमात इस्लामी वाले 8-10 ले जाएंगे अगर वो लेके जाते हैं, इमरान खान साहब कुछ ले जाएंगे, जो क्यू वाले जो वोट हैं वो उधर चले जाएंगे, शेख साहब के अपने भी 10-15,000 वोट होंगे, पीपल्स पार्टी के जो वोट हैं 30-35,000 वो उनमें से 8-10,000 निकल आएंगे शेख साहब के खिलाफ वोट करने के लिए, तो ये लगता है ऐसे है कि बड़ी क्लोज कॉन्टेस्ट होगी, इसीलिए नून इसके ऊपर बहुत अहमियत दे रही है। तो अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर अगर आप किसी मोटी मोटी बात करें तो इस वक्त जो सिचुएशन है इस मुल्क में, तो वो तो लगता है ऐसी है कि जैसे भी होगा मियां नवाज शरीफ साहब जीतेंगे, मगर अगर वो नहीं जीतते तो फिर ये यकीनी तौर पे ये बात वाजे हो जाएगी कि जो लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब
टोटली कॉन्फिडेंट है, खंबा वोट भी उनको, वो फिर बात फारग हो जाएगी और नवाज शरीफ साहब को अच्छा खासा धक्का लगे। शेठी साहब अभी उनके चल रही है शेख रशीद साहब का भी लियाकत बाग में जलसा है, जरा लाइव देखते हैं कि वो वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी गैदरिंग है और क्या इनफैक्ट वहाँ पर हो रहा है। इसमें सेठी साहब नवाज शरीफ साहब भी दूसरी तरफ रैली निकाल रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और कितनी वहां पर गैदरिंग है। उसी शख्स के साथ जाके, उसी शख्स के साथ जाके उसकी हुकूमत में शामिल होते हैं जो नवाज शरीफ की जान के पीछे पड़ा हुआ था, जिसकी भरपूर ख्वाहिश थी, जिसकी भरपूर कोशिश थी कि नवाज शरीफ को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाए। उस शख्स का तुम साथ देते हो, उस शख्स का दस्तों बाजू बनते हो और फिर आज रावलपिंडी के आवाम को फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो। रावलपिंडी के आवाम किसी के हाथों बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। रावलपिंडी के आवाम बावफा लोग हैं, वफादार लोग हैं, जिसका एक दफा हाथ पकड़ते हैं सारी जिंदगी उसका हाथ नहीं छोड़ते। और यहाँ पर इंशाल्लाह 24 तारीख को परसों के दिन इंशाल्लाह उस शख्स को एक दफा फिर शिकस्त फाश होगी, इंशाल्लाह शिकस्त फाश होगी। और रावलपिंडी के लोग 18 फरवरी 2008 की याद फिर दोबारा जो है वो उसको बहाल करेंगे और एक एक शख्स इंशाल्लाह रावलपिंडी का जो है वो शकील अवान को जाके वोट देगा। और आप जानते हैं आप मेरे शेर हो, ये सब शेर हैं, ये दाएं बाएं पीछे आगे लेफ्ट राइट, ये सब शेर हैं, ये पाकिस्तान के शेर हैं। ये नवाज शरीफ के साथ मिलके पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। सेठी साहब ये आपने देख लिया, अब दोनों अतराफ के हमने दिखा दिए। शेख रशीद साहब भी अभी तकरीर करने लगे थे, नवाज शरीफ साहब भी बड़े इमोशनल हुए थे। एक ब्रेक लेनी है मुझे, जब हम वापस आएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब ने तो वही परवेज मुशरफ साहब वाली बांसुरी बजा दी कि आप उस बंदे को कभी वोट ना दें शेख रशीद को जो मुशरफ के साथ था। इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।